हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। एक व्यक्तित्व होता है आकर्षक, एक व्यक्तित्व होता है कम आकर्षक होता है, कभी कभी जिसको हम कहते हैं कि बोरिंग टाइप का है वो भी होता है, कोई व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, कोई कम प्रभावशाली होता है। तो व्यक्तित्व ज्यादा काम करता है व्यक्ति से। जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है उसकी बात को हर कोई सुनता है, हर कोई मान लेता है, और हम जिस कार्य को करते हैं उसमें तो प्रभावशाली व्यक्तित्व का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट महत्व है, इम्पोर्टेंट रोल है। इसलिए आज हम ऐसी आदतों के बारे में थोड़ा सा अभ्यास करेंगे जिनसे व्यक्तित्व प्रभावशाली बने। आकर्षक व्यक्तित्व के लिए कौन कौन सी आदतें हैं? तो आदतें जानना तो ठीक है, जान भी लेंगे हम, लेकिन अभ्यास के द्वारा इनको आदत में लाना। सबसे पहले है सदा मुस्कुराने की आदत। किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ, किसी ने कुछ ऐसी कोई बात कह दी और आप मुस्कुराकर उसको जवाब दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा परिणाम आपके बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा आकर्षक आप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली आप हो जाते हैं। और मुस्कुराना एक बहुत ही बेहतरीन आदत है, और मुस्कुरा वो ही सकता है जो अंदर से प्रसन्न हो। अगर अंदर तनाव है तो बाहर मुस्कुराना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस आदत को हम अपने जीवन में लाएं। इसके लिए जो अन्य आदतें हैं, जो अन्य अभ्यास है वो करते रहें। हर चीज में अच्छा ही देखना, स्वीकार भाव, ये इस तरह की आदतों का अभ्यास करें और इसको निरंतर अभ्यास करें। इस आदत को लाने के लिए क्या करेंगे हम? सदा मुस्कुराने की आदत के लिए कभी जब भी अकेले हो आप, तो इसको अभ्यास करते रहें। अकेले में मुस्कुराकर उस आदत को बनाते रहें, आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराएं, अकेले में मुस्कुराएं, आंखें बंद करके मुस्कुराएं। तो लगातार ऐसा करेंगे तो आपकी आदत में आ जाएगा, क्योंकि आदत में आना बहुत जरूरी है। प्लानिंग करके नहीं मुस्कुराया जा सकता, प्लानिंग करके तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, किस किस की प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट है तारीफ करने की आदत। जब भी तारीफ करने का मौका मिले तो चूकना नहीं, और तारीफ भी क्या करनी, शानदार करनी, बढ़िया तारीफ, जिससे सामने वाले को अच्छा लगे। तारीफ किसी पर्सन की हो सकती है, किसी बात की हो सकती है, हमारे उत्पादों की भी हो सकती है, हमारे अभियान की तारीफ हो सकती है, हमारे साथियों ने जो कार्य किए हैं उनकी हो सकती है। तो ऐसे तारीफ, हर चीज की तारीफ होती है, पर जितनी आप अच्छी तारीफ करते हैं उतना ही सामने वालों के दिल में आप प्रवेश करते जाते हैं। तो दोनों ही आदतें को नंबर अगर हम देने की बात करें तो दोनों ही आदतें बहुत पावरफुल नंबर वाली आदतें हैं, तो इनको तो अपने को प्रैक्टिस में लाना ही लाना। फिर है हमेशा खुश मिजाज रहने की आदत। खुश मिजाज मतलब बात बात पे नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, ऐसा नहीं करना। हमेशा खुश मिजाज, जिससे भी मिलते हैं तो खुशी से मिले, प्रसन्नता से, ऐसा हिसाब नहीं लगाएं कि काम का है कि काम का नहीं है, कि नहीं। हमेशा एक वैसी आदत रखनी है। फिर है मेल जोल बढ़ाने की आदत। ये दोनों आदतें भी एक दूसरे की सहायक आदत है, कि जब भी कोई भी मिले, हम नए साथी मिले कोई भी, तो मेल जोल बढ़ाने की आदत होनी चाहिए, उनसे परिचय करना उनसे। और जब भी हमने किसी को किसी भी कारण से हमारा परिचय हुआ है, उस परिचय को मेल जोल में बढ़ाना, जो सामाजिक प्राणी है तो समाज के साथ रहेंगे जिएंगे। हमारा परिचय बहुत सारे साथियों से होना चाहिए,
हमको एक अच्छे खुश मिजाज इंसान के रूप में जाना जाना चाहिए। ये सब आदतों को हम अभ्यास में लाएंगे। सभी के साथ मधुर संबंध रखने की आदत, संबंधों को मधुर रखें, जबरदस्ती के संबंध नहीं होने चाहिए, आपस में घनिष्ठता होनी चाहिए और संबंधों को सर्वाधिक महत्व देने की आदत। इस बात का मतलब ये है कि जीवन में अगर कभी कोई हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, हमें कोई छोटा मोटा हमें झुकना पड़ जाए, हमें कोई आर्थिक हानि भी उठानी पड़ जाए, हमें कोई समझौता करना पड़ जाए, लेकिन वो सब कर लेना, संबंधों को नहीं खोना। संबंधों की पूंजी जो है वो सबसे मूल्यवान पूंजी है। तो ऐसे बात बात पर संबंध नहीं खराब करना। बहुत बार हम क्या, छोटी सी बात होती है, नहीं इससे तो संबंध ही नहीं रखने, अब उस समय हम क्या होता है, थोड़ा भावावेश में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं और ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि इससे तो अब आगे से भविष्य से बात ही नहीं करनी। अब एक बार ऐसा दोनों पक्ष जब ऐसा निर्णय ले लेते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, तो वो संबंध हमेशा के लिए अटक जाते हैं, समाप्त हो जाता है। जबकि ऐसा कोई विशेष कारण नहीं होता, वो सब निर्णय क्रोध में लिए हुए निर्णय होते हैं। तो इस तरह के कभी भी निर्णय नहीं लेने, और ले भी लिया हो तो माफी मांगकर वापस उसको जीवित करना संबंध। तो ये दोनों आदतें भी हमें अभ्यास में लानी है। ये बात आएगी किसी से संबंध विच्छेद नहीं करने की आदत, तो कुछ भी हो जाए संबंध विच्छेद नहीं करना। कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि हमारे और उनकी नहीं बनती, ऐसा उनका कुछ अलग तरीका है काम करने का, उनका कुछ रुचियां अलग है, वो उतने अच्छे नहीं है, तो ठीक है, संबंधों को सामान्य कर दो, सावधानी पूर्वक उनके साथ जीना शुरू कर दो, पर संबंध विच्छेद नहीं करने। फिर भी संबंध, नॉर्मल संबंध बना के रखने, माफी मांगने व माफ करने की आदत। इंसान है, गलती भी हो जाती है। अब हम देखें कि मेरी क्या गलती है, मैं तो बड़ा हूं, मैं क्यों माफी मांगूं, ऐसा नहीं सोच। छोटा बड़ा कुछ भी हो, अगर कहीं भी लग रहा है और गलती नहीं भी है, लेकिन सामने वाले को लग रहा है कि आपकी गलती है, तो भी माफी मांग, माफी मांगने में कोई पैसा नहीं लगता। न हम छोटे हो रहे हैं, न कोई किसी तरह का नुकसान हो रहा है, कुछ भी नुकसान नहीं होता। कोई बड़ा है तो वो छोटा नहीं हो जाता माफी मांगने से, बल्कि छोटा बड़ा जरूर हो सकता है। और इसी तरह से माफ करने की आदत, किसी के प्रति गिले शिकवे उनको इकट्ठे करके रखना, अपने इतना बोझ क्यों पालना, जो जैसा है वो उसका वो जाने, लेकिन अपनी तरफ से सबके लिए मन में कोई गिला शिकवा, कोई ऐसी शिकायत, ऐसा उसके बदला लेंगे, ऐसा करेंगे, उसका तो ये कर दूंगा, ऐसा कुछ भी रख के अपने आप को बोझिल नहीं करना है, अपनी हेडक नहीं बढ़ानी है, अपने को परेशान नहीं करना, इस तरह की बातें करते। विनम्रता व मधुरता से बात करने की आदत, तो ये सब आदतों के साथ विनम्रता और मधुरता को बना के भी रखना है। हंसी मजाक करना, मेलजोल बढ़ाना, वो सब अपनी जगह ठीक है, फिर भी विनम्रता बना के रखनी। ऐसा नहीं कि बात बात में क्रोध आ जाए, या हमारी बात जो है ना उतनी कर्कश हो, जिसमें शब्द ऐसे हो जो मधुर नहीं हो। ये चीजों का हमें बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, और कटु वचन नहीं बोलने का। ये भी इससे मिलती जुलती बात है कि कभी कड़वे वचन नहीं बोलने। कभी कभी क्या है, ध्यान नहीं रहता है और वो शब्द जो है वो जुबान पे आ जाते हैं, बोलना तो नहीं चाहते पर आ जाते हैं, और फिर उसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं।
तो ऐसे शब्दों के प्रति जागृत हो जाना है और हमेशा अपनी आदत से निकाल देना है कि वो शब्द कभी भी किसी को भी बोलने ही नहीं, अपने जुबान में आते ही नहीं। तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी क्या है, कभी कोई सामने वाला ऐसी कोई बात कह देता है जो हमें पसंद नहीं हो, हमें अच्छी नहीं लग रही हो, हमें आवेश आने जैसी स्थिति बन रही हो, तो ऐसी स्थितियों में क्या थोड़ा शांत हो जाना है, तुरंत हाथों हाथ प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। तो जब शांत होंगे तो अपने आप आपको नॉर्मल हो जाएगी थोड़ी देर में, और कभी किसी को क्रोध दिलाने वाली बात नहीं बोलने की आदत। हम कभी कभी ऐसी कोई बात बोल देते हैं कि सामने वाले को क्रोध आ जाता है, जब सामने वाला क्रोध करता है तो क्रोध में बात करता है तो फिर हमें क्रोध आने की स्थितियां मिल जाती है, वातावरण खराब होता है, लड़ाई झगड़े की नौबत आती है। तो ऐसी बहुत सारी, तो पैदा किसने किया, क्रोध भली हमने नहीं किया लेकिन हमने कोई ऐसी बात कह दी कि सामने वाले को क्रोध आ गया, तो भी गड़बड़ है, तो भी गलत है, ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। हमें इन पुरानी सारी आदतों का ध्यान में रखते हुए हमेशा नॉर्मल वे में बात करनी, कुछ किसी ने कह भी दिया हो, गलत भी कर दिया हो तो सामान्य तरीके से बोलना है आपको, ऐसे की बजाय ऐसा करते तो बहुत बढ़िया रहता है उसको, ऐसे नहीं ऐसा कैसे कर दिया है, आप में कोई तमीज नहीं है, आपको ये नहीं आता, या समय समय पर ऐसी बहुत सारी बातें होती है, बात हम सामान्य कर रहे होते हैं लेकिन उसको कुछ ऐसा टोन होता है कि सामने वाले को क्रोध आ जाता है। ये सब चीजों का ध्यान रखना, सोच समझ कर बोलने की आदत, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना और जब भी बोले तो सोच समझ कर बोलना, ताकि हमसे ऐसी कोई बात न निकल जाए जिसपे हमें पश्चाताप करना, अब मेरे से ये क्या हो गया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता। मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती, इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलने की आदत होनी चाहिए। और नेक्स्ट है सारगर्भित बात बोलने की आदत, कभी कभी हम अनावश्यक बोले जाते बहुत लंबा कर देते तो सामने वाला पक जाता है, वो बोल नहीं पाता कभी लेकिन परेशान हो जाता है उससे, तो ऐसा नहीं करना, जो बात करनी सार गर्भित बात करनी, जिसके कम पंक्तियों में सारा सार जो है समन्वय हो जाए, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनने की आदत। हम बोले जा रहे हैं और सामने वाला भी कुछ बोलना चाह रहा है या बोला है उसने, उसको तो सुन ही नहीं रहे और अपने ही राग अलाप जा रहे, अपनी धुन में मस्त है, तो ये इससे आपकी बातचीत का माहौल सारा खराब हो जाएगा और सामने वाले के लिए आप बोरिंग हो जाएगी, वो आपको बिल्कुल तवज्जो नहीं देगा। इसलिए सामने वालों की बात को ध्यान से सुनना है और उसके अनुसार बातचीत को मोड़ देना है, उसके अनुसार बातचीत को रुक देना है, और वेशभूषा व्यवस्थित रखने की आदत, व्यक्तित्व में वेशभूषा का भी एक रोल होता है, महत्व तो होता है, तो जिस मौके पर जैसी वेशभूषा होनी चाहिए उस वेशभूषा को धारण करें, आदर्श सूचक शब्दों में बात करने की आदत। सर, श्रीमान, अंकल जी, आंटी जी, और आपको कष्ट तो नहीं हुआ, कोई उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो ऐसे आदर्शक सूचक शब्दों को बीच बीच में रखेंगे ना तो बहुत ज्यादा हमारी बात में वजन होता है, सामने वाले को बहुत अच्छा प्रतीत होता है और वो हमें सुनता है ध्यान से, मदद करने की आदत, हमेशा निस्वार्थ भाव, स्वार्थ से नहीं, हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने की आदत रखनी चाहिए, जब भी मौका मिले चूकना ही नहीं।
जरूरी नहीं पैसे से ही मदद करें हम, मदद तो ढेर सारी होती है, हर तरह की मदद होती है, अपने साथियों की मदद होती है, इसकी तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। और जब परिस्थिति आती है तो हमारे सामने उस स्थिति आती है, पर ये आदत में रहना चाहिए। तो ये कुछ आदतें जो थी इनको हमने जाना, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सदा मुस्कुराने की आदत, क्योंकि रिवीजन से ही अभ्यास होगा। तारीफ करने की आदत, हमेशा खुश मिजाज रहने की आदत, मेलजोल बढ़ाने की आदत, सभी के साथ मधुर संबंध रखने की आदत, संबंधों को सर्वाधिक महत्व देने की आदत, किसी से संबंध विच्छेद नहीं करने की आदत, माफी मांगने व माफ करने की आदत, विनम्रता व मधुरता से बात करने की आदत, कटु वचन नहीं बोलने की आदत, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देने की आदत, क्रोध दिलाने वाली बात नहीं बोलने की आदत, सोच समझकर बोलने की आदत, सारगर्भित बात बोलने की आदत, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनने की आदत, और वेशभूषा व्यवस्थित रखने की आदत, आदर सूचक शब्दों में बात करने की आदत और मदद करने की आदत। तो ये आदतें हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई आदतें। और एक बार हमको अपना रवैया अगर समझ में आ गया तो अपनी बहुत सारी आदतें एक साथ ही ये सुधर सकती है। और लेकिन अभ्यास बहुत जरूरी, जानना समझ लेना, ये तो जानते तो हम सभी है, नया क्या है इसमें, कोई बहुत बड़ी बात तो जानी नहीं। इसमें ज्ञान का रोल कम है, इसमें सारा का सारा रोल अभ्यास का है। कार्यशाला की स्थापना इसीलिए हुई थी कि यहाँ पर हम अभ्यास करें, ज्ञान तो बहुत हासिल कर ली, ज्ञान काम में क्या है, तो अभ्यास करेंगे। अभ्यास के लिए हम क्या क्या करेंगे, अभ्यास के लिए हम क्या क्या करेंगे, एक तो आपकी डायरी में नोट करके रखेंगे और उनको पढ़ते रहेंगे, बार बार पढ़ेंगे। दूसरा, एक साथ ज्यादा नहीं हो रही तो अकेले में, जैसे आज ले लिया कि आज इन दो आदतों का बहुत अच्छे से अभ्यास करूंगा। देखिए करना तो हमें पड़ेगा कुछ न कुछ, तो स्वयं को कि आज दिन भर मुस्कुराने की आदत का अच्छे से अभ्यास करूंगा। हो सकता है उसके साथ चार आदतें ऑटोमेटिकली सुधर जाए, सब लिंक होती है आपस में आदतें। तो नोट करना है, नोट करके रखना डायरी में, क्योंकि आप समय समय पर देखते रहेंगे ना, तो आपको ख्याल आता रहेगा अरे ये आदत में भी थोड़ा सा इस पे काम करना बाकी है। नोट करना बहुत जरूरी है, और उसको फिर आज के लिए चुने, उसमें से रोज प्रतिदिन एक दो आदत का अभ्यास सघनता से कर लें, जो आपको लगता है कि ये आदत पे मुझे ज्यादा काम, ठीक है। दूसरा, सबके सामने घोषणा करनी, अपने परिवार के सामने। अभी मुस्कुराने की आदत क्या बहुत जल्दी ला सकते हो आप, कि अपने परिवार को बोल दो कि मैं जब भी नहीं मुस्कुराऊं तो मेरे ऊपर ये पेनल्टी है। तो देखो मजाक का मजाक हो गया, और भाई आदत भी चेंज करने में बहुत सारा काम हो गया। ये थोड़ी सी प्रयास करना पड़ता है, पर ये आदत आ जाती, ऐसा नहीं नहीं आती, थोड़ी कठिन है, क्योंकि हम तो जिंदगी भर कभी मुस्कुराए नहीं है ना, ऐसे गुमसुम गुमसुम चेहरा बना के बैठे रहते हैं। कोई बात ऐसी आती है बहुत अच्छी, तब तक हम मुस्कुराते हैं, तो आदत नहीं है ना, आदत बहुत उल्टी पड़ी हुई है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर आप ठान लोगे और अपने हिसाब से अभ्यास करोगे तो हो जाएगा, हो जाता है, ठानना बहुत जरूरी है। तो ये हम सब आज संकल्प लेंगे कि इन आदतों को अपने जीवन में उतार कर ही रहेंगे, क्योंकि ये आदतें आप अपने जीवन में ले आए, तो जो आपको काम करने हैं वो आपके
80% काम तो आपका व्यक्तित्व ही कर देगा, आपके सारे काम ही आसान हो जाएंगे और जीवन सुखमय हो जाएगा, बहुत सारी तकलीफें जीवन की दूर हो जाएगी। तो इतना सहज काम है, बस हमें थोड़ा सा होश पूर्वक अभ्यास। तो हम सभी साथी जरूर जरूर अभ्यास करेंगे, तो आइए चलते हैं आज और सघनता से अभ्यास करेंगे हम सभी साथी। आइए मोनालिसा, आइए। जी सर।